एक पहले हम सरसरी तौर पे बात कर लेते हैं कि अर्थ पे 0 डिग्री इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर इससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो है हमको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी देखने को मिलती है। फिर हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध पे, तो हम देख रहे हैं 30-35 उत्तर और 30-35 दक्षिणी अक्षांशों पे हमको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी देखने को मिलती है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जैसे ही हम फिर उससे ऊपर जाते हैं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, तो हम देख रहे हैं 60-65 उत्तरी गोलार्ध और 60-65 जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर हमको फिर से मिलता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। फिर हम लगभग 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल के पास उत्तर और 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री लगभग दक्षिणी गोलार्ध पोल के पास हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमको फिर से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको पहले लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और उसके बाद फिर हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके कारण हमको जानने होंगे कि ये वेरिएशन क्यों हैं, और ये जो पेटियां हम देख रहे हैं ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, नंबर 1 थर्मल और नंबर 2 डायनेमिक। मतलब दो पेटियां जो है वो तापजन्य हो रही हैं और दो पेटियां जो हैं वो गतिजन्य हो रही हैं। मैंने दो कहा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो दोनों ही गोलार्धों में कॉमन है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बीच का कॉमन पेटी जो है या कॉमन बेल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये, और हम लगभग ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा पोलर हाई प्रेशर नॉर्थ में और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है साउथ में, ये दोनों हमारा थर्मल बेल्ट है या तापीय पेटी, या हम इसको कहते हैं तापजन्य पेटी है। मतलब ताप में अंतर के कारण ये हमारा क्रमशः लो प्रेशर या हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और बीच का जो सब ट्रॉपिकल आपका है हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये भी नदन हेमिस्फीयर में और हम देख रहे हैं सदन हेमिस्फीयर, ये दोनों में ही जो बेल्ट दिख रहा है हमको लो प्रेशर और हाई प्रेशर की, ये किसके कारण है, ये इसका रीज़न डायनेमिक है या गतिजन्य। गतिजन्य मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न ये पेटी का निर्माण होता है। आइए अब हम इन पेटियों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय न्यून दाब की पेटी। ये हमने बात किया कि 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की तरफ मिलती है। बच्चों इसको हम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल समझते हैं, वो कैसा होगा। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर वर्ष भर तापमान की स्थिति जो है वो अधिक होती है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर इस सरफेस में जो उपस्थित हवा है ये गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होकर राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। और नेचुरली है कि ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेगी तो उस सरफेस का, उस इक्वेटोरियल एरिया का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो रीज़न है थर्मल या तापजन्य, तापजन्य पेटी हुई। अब हम इसके जस्ट ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम इसमें एक बार देख लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर हम देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। अब एक बात और हमको यहाँ पर देखनी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये डोल्ड्रम की पेटी भी कहलाती है।
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो डोलड्रम की पेटी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर हवा में किसी भी प्रकार का क्षैतिजिक मूवमेंट या क्षैतिजिक गति नहीं होती। यहाँ पर जो मिलने वाली हवाएं हैं वो आमने सामने से आती हैं, सीधी नहीं आती। अगर सीधे आकर मिलती वर्टिकली तो साइक्लोन की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती। ये आकर तिरछी मिलती हैं। तिरछी मिलने के कारण यहाँ पर हवा में किसी भी प्रकार का क्षैतिजिक मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि ये इस एक लिमिट बन जाती है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में। आप अपने हम इस ग्लोब से भी समझ सकते हैं, ये ग्लोब है और यहाँ पर हम जो इक्वेटर की स्थिति देख रहे हैं तो इस इक्वेटर में वहाँ से उसके लगभग 30-35 उत्तर और लगभग 30-35 दक्षिण से हम जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ से दक्षिण की ट्रेड और इधर से उत्तर की ट्रेड जो है वो आमने सामने आती है, लेकिन वो बिल्कुल इक्वेटर तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है वो अधिक है, तापमान अधिक है, जिसके कारण ये यहाँ पर लगभग 5 डिग्री आकर ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अभी हमने कहा था कि यहाँ पर का टेम्परेचर अधिक होता है जिससे सरफेस के गर्म होने के कारण यहाँ से लगी हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ये यहाँ तक आई और ये ऊपर की तरफ राइज करने लगी। तो वो जो बीच वाला एक बेल्ट है वो क्या हो जाता है? शांत क्षेत्र हो जाता है, इसलिए हम इसे डोलड्रम की शांत पेटी भी कहते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे हम ITCZ भी कहते हैं। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हमको पता है कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो इंटर मतलब इनके बीच का, इनके बीच का इंटर ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का, कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण और जोन मतलब वो एरिया। तो ये ITCZ क्या होता है? अभी मैंने बात की थी कि लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी नॉर्थ की ट्रेड और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी साउथ की ट्रेड दोनों आती है और आपस में मिलती है। आपस में मिल रही है मतलब तिरछी आ रही है और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं? आमने सामने उनमें कन्वर्ज हो रही हैं, अभिसरण हो रहा है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। आप यहाँ पर इस ग्लोब के मैप से देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 0 डिग्री 5 और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ दोनों के बीच का ITCZ का एरिया होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और हम इसे ही डोलड्रम की पेटी या डोलड्रम की शांत पेटी भी कहते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। आप देख रहे हैं लगभग 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और वही स्थिति होगी आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी, जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है? यहाँ क्या होती है स्थिति, हम फिर से इसे अपने इस ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर और यहाँ पर से जो इस इक्वेटर वाले एरिया से जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, हम इसे 3 डायमेंशनल समझना होगा क्योंकि ये एक पूरी गोल जो पृथ्वी है, ग्लोब जिसे हम कह रहे हैं, उसमें चारों तरफ से हवाएं जो हैं वो राइज कर रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ये इक्वेटर के पास से ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर जाने पे आपके एटमॉस्फेयर में कहाँ तक ऊपर जाएगी? ये ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल तक। और जैसे ही ये राइज करके क्षोभ मंडल तक पहुँची उसके बाद ये अपने 2 डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। हम इसमें भी देख सकते हैं, एक उत्तर की तरफ चली जाएगी और एक जो है वो क्रमशः दक्षिण की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर आके चूंकि इस स्थिति में ये हवा जो है बहुत ठंडी हो चुकी होती है तो अब ये और ऊपर नहीं जाएगी, अब ये इसी लगभग 30-35 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ और 30-35 डिग्री अक्षांश दक्षिण की तरफ उतरती है।
तो चूंकि यहाँ पर हवा उतर रही है लगातार, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर उच्च वायु दाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे हम इस लगभग 30-35 डिग्री अक्षांश को हॉर्स लेटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश पहले के ज़माने में क्या होता था, आप शायद पुराने पिक्चर्स पे देखते होंगे कि जो हाथ से नाव चलाई जाती थी, पतवार से जब हम नाव को खींचते थे तो उसमें क्या होता था, कपड़े का एक कवर बना हुआ होता था, बना दिया जाता था नाव पे, और वो कपड़े के कवर में हवा भर जाती थी और उस डायरेक्शन पे वो नाव जो है चली जाती थी। वो हेल्प करती थी, जो हाथ से नाविक जो पतवार से खींच रहे हैं नाव को, तो हवा का डायरेक्शन उसमें हेल्प करता था। तो पहले पहले के समय में इतनी सुविधाएं तो थी नहीं कि हम अभी प्लेन से या मोटर चलित जो जलयान है उसका उपयोग कर रहे हैं, ट्रेनें हैं, ये सुविधा नहीं थी। तो पहले लोग उसी से सफ़र करते थे, चाहे वो पशुओं को भी हो या आदमी, सब उसी से ही ट्रैवल करके ले जाया जाता था। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं वो जो नाव दिख रही है। तो क्या होता है, तब क्या होता था कि इस अक्षांश पे पहुंचते हुए, चूंकि यहाँ पर हवाएं जो हैं उतर रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही हैं, उतरने से उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्षैतिजिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिससे वो नाव जो है घोड़ों से भरी नाव, तब घोड़ों को भी उससे ले जाया जाता था, भारी हो जाती थी और नाविक को नाव को खींचने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, कहते थे भाई आप तैर कर आइए, हम तब तक आगे चलते हैं। तो तभी से तो क्या हो जाता था कि उनकी नाव जो है वो घोड़ों को, जब वो समुद्र में कुछ घोड़ों को फेंक देते थे तो नाव का वजन जो है वो कम हो जाता था, हल्की हो जाती थी नाव, और उन्हें पतवार से नाव को खींचने में थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती थी। तो तभी से इस अक्षांश लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम क्रमशः फिर ऊपर की तरफ आते हैं, तो आप देख रहे हैं हमको यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दिख रहा है या विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये जो है इसका रीज़न, इस बेल्ट का, ये दोनों बेल्ट का, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो, ये दोनों मैंने अभी बताया था कि इनका रीज़न जो है इस बेल्ट का डायनेमिक है, पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न ये पेटी है। क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के कारण ये दोनों जो हैं पेटियाँ निर्मित होती हैं। अब केंद्रीय बल क्या है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसके अपने अक्ष पर घूमने के कारण उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, कोई भी घूमती हुई चीज़ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसे हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप सामने यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटी बच्ची अपना फ्रिल वाला, घेर वाला फ्रॉक पहनकर अपनी गोल 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 घूम रही है। इसके गोल गोल घूमने से क्या हो रहा है कि इसकी बॉडी पे ये फ्रॉक लगी हुई है और उसकी बॉडी जो है वो गोल गोल मूवमेंट कर रही है, तो उसके गोल गोल मूवमेंट करने से उसकी बॉडी से लगी फ्रॉक भी घूम रही है, और घूमती हुई वो फ्रिल वाली या घेर वाली जो फ्रॉक है वो उसकी बॉडी से आप देख रहे हैं कि दूर आ रही है, दूर तरफ आ रही है ना, बॉडी से दूर जा रही है। अब केंद्रीय, हमको इस शब्द से ही एहसास हो रहा है दूरी का, तो इसे हम कहते हैं अब केंद्रीय बल। वैसे ही हमारी इस घूमती हुई पृथ्वी पर भी अपकेंद्रीय बल
कार्य करता है। और हमने अभी चर्चा की थी कि हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसके घूमने के कारण ठीक वैसे ही जैसे इस बच्ची की बॉडी से लगा, ये बच्ची की बॉडी घूम रही थी और उस बच्ची की बॉडी से लगा हुआ उसका फ्रॉग भी घूम रहा है, वैसे ही हमारी अर्थ घूम रही है और हमारी अर्थ के घूमने से उससे लगा हुआ उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसके साथ साथ मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट कर रहा है तो ठीक इसी तरह जैसे इस बच्ची का जो फ्रॉग उससे दूर हट रहा है, वैसे ही इस अर्थ से लगा हुआ एटमॉस्फेयर या हवा जो भी है वो उससे दूर हटती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोलर पे बिल्कुल नॉमिनल या नहीं के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमारे इक्वेटर पे भी काम करना चाहिए और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे भी करना चाहिए, करता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आते तक भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना होता है कि वो वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर पे लगी हुई या सरफेस पे लगी हुई हवा को ऊपर की तरफ उठाता है या अपने से दूर फेंकता है। तो यहाँ पर भी इस अर्थ के माध्यम, ग्लोब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आपका ये जो सब पोलर हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके घूमने से यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के काम करने से इससे लगी हुई जो हवा है वो इससे क्या हो रही है, राइज कर रही है, दूर हट रही है। और दूर हट के ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है, इधर से भी राइज कर रही है, इधर से भी राइज कर रही है। अब इसके राइज करने या ऊपर उठने से क्या हो रहा है, यहाँ पर तो लो प्रेशर होगा, अब ये उस हाइट तक जाएगी जहाँ तक लगभग हम बात कर रहे हैं कि हवाएं जो है वो ट्रोपोस्फीयर तक ही ऊपर उठ पाती हैं, क्योंकि वहाँ उस सीमा तक पहुँचते वो इतनी ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के कारण वो भारी हो जाएगी कि वो और ऊपर चढ़ नहीं पाती और वो कोई भी भारी चीज़ उसमें नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। तो एज इट इज़ हवा भी ट्रोपोस्फीयर तक पहुँच कर फिर अपने दाएँ मुड़ जाती है और दो ब्रांच में, एक जो है वो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, देखिए यहाँ पर इस ग्लोब पे यहाँ से ऊपर उठी हुई जो हवा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से हवा उठ रही है, राइज कर रही है, इधर से राइज कर रही है, यहाँ से ये राइज करके एक जो चली गई आपके पोलर की तरफ, ध्रुवों की तरफ आ गई, और एक जो है वो आपकी कहाँ पर आएगी, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट पर उतरेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाती है स्थिति, लो प्रेशर की, प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि भाई ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो आपके इक्वेटर पे भी काम करेगा और सब ट्रॉपिकल जोन पे भी या सब ट्रॉपिकल बेल्ट भी पे भी काम करेगा, करता है। लेकिन हमने ITCZ की बात की थी तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसका मेन रीज़न या मेन इफ़ेक्ट जो है वो थर्मल होता है। और यहाँ से जो ऊपर उठी हुई हवा है ये सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट पे उतरती है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, लेकिन यहाँ से हवा जो है ऊपर उठती हुई हवा अपकेंद्रीय बल के कारण, यहाँ हम इससे समझ सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल के कारण इससे ऊपर उठी हवा ऊपर इसलिए नहीं उठ पाती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हवाएं जो हैं वो नीचे की तरफ उठ रही हैं। तो कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ आना चाह रही है उसको कौन दबा दे रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से आई हुई हवा। और सेम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे भी होता है, वहाँ पर से भी हवा जब राइज करके ऊपर उठती है ट्रोपोस्फीयर तक आ रही है तो वहाँ से वो नीचे की तरफ वहीं बैठ सकती है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं बैठ पा रही है क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूएशन में टेम्परेचर हाई है और उस तक जो हवा पहुँच रही है उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वो लगातार राइज कर रही है, लगातार ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये ऊपर उठती हुई हवा जो वहाँ से नीचे बैठती हवा है उसको पुश करती है, धक्का देती है और वहाँ पर नीचे की तरफ बैठने नहीं देती।
जिसके कारण यहाँ पर से उठी हवा इसी एरिया में नहीं आ पाती और मजबूरन उसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास नीचे उतरना पड़ता है। ठीक स्थिति सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में भी है। यहाँ से भी इस हम देख रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से भी हवा जो है वो राइज कर रही है। डायनेमिक रीज़न मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के कारण ये राइज कर रही है और ट्रोपोस्फियर तक ये पहुँची और यहाँ पर ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण ये फिर से उतरना भी चाहेगी तो नहीं उतर पाती है, क्योंकि ये जो अपकेंद्रीय बल है ये लगातार हवा को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, फेंक रहा है, और वो इसे नीचे की तरफ उतरने नहीं देगा और मजबूरन इन हवाओं को मुड़ जाना पड़ता है आपके सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ और एक जो है वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक देख रहे हैं हम इसको टू डायमेंशनल पिक्चर है, इसलिए यहाँ से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से ये हवा जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ एक ब्रांच मुड़ रही है और दूसरी ब्रांच जो है वो आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ मुड़ जा रही है। तो ये बात हो गई सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की, इसका रीज़न भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, तो ध्रुवों के पास क्यों उच्च दाब होता है या हाई प्रेशर की स्थिति होती है? ये तो नेचुरली है, जैसा इक्वेटर में अधिक टेम्परेचर के कारण इसका रीज़न थर्मल है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो हमको पता है कि ध्रुवों के पास तो सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम तिरछी हो जाती हैं, है ना, और तिरछी होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो नेचुरली है कि वहाँ पर हाई प्रेशर उच्च दाब की स्थिति बनती है। और साथ ही हमने अभी देखा है कि ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से भी उतरती हुई हवा यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति को निर्मित करती है, बनाती है। अब हमने ये कुल 7 पेटियाँ देख ली एयर प्रेशर की, या प्रेशर बेल्ट्स 7 देखे हमने, और हमने इसमें यह भी देखा कि कुछ जो पेटियां हैं वो थर्मल हैं और कुछ जो हैं वो डायनेमिक हैं और क्यों हो रही हैं। ये वर्ष भर जो है एक समान इन पेटियों या इन बेल्ट्स की जो स्थिति है वो हमेशा एक समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब सूर्य तप की मात्रा हमारे नदन और सदन हेमिस्फीयर हम देख पा रहे हैं, इसमें कभी सूर्य जो है उसकी स्थिति उत्तरायण की हो रही है और कभी उसकी स्थिति जो है वो दक्षिणायन की हो रही है, तो इस उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के ही कारण थर्मल बेल्ट खिसकेगा और थर्मल बेल्ट खिसकने के कारण हमारा प्रेशर बेल्ट भी जो है वो खिसक जाता है। अब इसी में मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में हम देखे थे यहाँ पर ITCZ, हमने बात की थी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? हमने चर्चा की थी कि नॉर्थ की व्यापारिक हवा और दक्षिण की व्यापारिक हवाएं दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, तिरछी रूप में आती हैं, है ना, तो जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं, इस कारण इसका नाम पड़ा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और वो इस तरफ क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर इनको लो प्रेशर निम्न दाब की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, एयर प्रेशर का अध्ययन करना वायु दाब हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौसम की जो जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो तूफान हो, चक्रवात हो, हवाओं का चलना हो, ये सब जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, ये बात आपको नोट करके रखना पड़ेगा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये क्यों होता है? ये तो हमारे साथ भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कहीं किसी जगह पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे खड़े होते हैं तो हमको एक सफोकेशन जैसा फील होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत
ज़्यादा होता है और हम कोशिश करते हैं कि उस बहुत भीड़ वाली जगह से एक खाली स्पेस हमको यदि कहीं पर भी मिलता है तो हम वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का प्रेशर, उस भीड़ का जो प्रेशर है, क्राउड का जो प्रेशर है, वो वहाँ पर कम होता है। इसको आप ऐसे भी एक बात और हम चर्चा कर लेते हैं। हमने भी कहा था कि हवा का जो दबाव है, वजन होता है उसका, एक भार होता है जिसका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमें महसूस क्यों नहीं होता? मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। क्या आपको महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो इसलिए महसूस नहीं होता, इस एयर का प्रेशर जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना बाहर है, हमारी बॉडी, ये शरीर के अंदर भी तो हवा है, वो भी अपना एक प्रेशर डालती है। और प्रेशर कैसा प्रेशर डाल रही है? काउंटर प्रेशर डाल रही है, काउंटर फोर्स लगा रही है। तो दोनों में बैलेंस बना हुआ रहता है, बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। इसलिए ये हमें फील नहीं होता, महसूस नहीं होता कि हवा का कोई वजन या भार हमारे ऊपर पड़ रहा है। हाँ, आपने ये चीज़ देखी होगी, ये हमें तब महसूस होता है जब हम किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे हैं या बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो बहुत ऊंचाई पर जाने से ये जो बैलेंस है, किसका बैलेंस? प्रेशर का, बॉडी के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये दोनों का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर तो एज इट इज़ रहेगा, कि या तो हम किसी भी छत के नीचे खड़े हों या फिर छत से बाहर, मतलब कमरे से बाहर हम किसी खुली जगह पर चले जाएं। ऐसा नहीं है भाई कि हम किसी कमरे के अंदर खड़े हैं जहाँ पर ऊपर में छत है, तो वहाँ पर हमारा एयर प्रेशर हमारे ऊपर अधिक होगा और हम जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे तो प्रेशर की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर सिर्फ हमारे सिर के ऊपर ही नहीं, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ होता है, इसलिए इसकी स्थिति में बदलाव नहीं आता, चाहे आप कमरे के अंदर रहें या कमरे के बाहर। और इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैरोमीटर जो होते हैं, यंत्र जिससे हम एयर प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं, वो हमेशा बंद कमरों में ही रखे होते हैं। खुली जगह पे रखेंगे तो धूप से, हवा से वो ख़राब होने का उनका डर रहता है। हाँ, अभी हमने बात की थी कि हमें महसूस नहीं होती। महसूस होती है, महसूस तब होती है जब हम किसी पर्वत की ऊँची चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो कोई पर्वतारोही ऊपर की तरफ जा रहा है या हम ही किसी भी पर्वत की ऊंचाई पर जा रहे हैं, चोटियों पर, तो आप देखेंगे हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ की समस्या हमको आती है। किसके कारण आती है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का जो दाब है, वो कम होता है। तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाने के कारण हमको ये प्रॉब्लम होती है। ये परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम है? वायु दाब के कम होने का। दूसरी स्थिति हम इसमें और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम हाइट पे जा रहे हैं और हम फाउंटेन पेन रखे हुए हैं, तो उसमें लीक होने लगती है वो पेन। क्यों? क्योंकि वो तब तक उसकी इंक अंदर थी कि पेन के अंदर का प्रेशर और उसके बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों इक्वल था। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया तो वो इंक कहती है बाहर की तरफ, क्योंकि उसको प्रेशर कम मिल रहा है बाहर, मैं आऊं, और वो लीक करने लगती है। अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि एक क्राउड से हट के हम थोड़ी सी स्पेस वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं, तो ऐसा सबके साथ होता है। दूसरा एग्जांपल कि हम सेम फाउंटेन पेन जैसा ही कि हम हाइट पे जा रहे हैं, कोई भी पर्वतारोही या कोई भी व्यक्ति अगर हाइट पे, ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसे नाक से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। ये भी किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे जो ब्लड नर्व्स हैं, वेंस जो हैं, वो प्रेशर से अंदर ही ब्लड उसमें रहता है, लेकिन जैसे ही बॉडी का जो प्रेशर है अंदर का वो तो वैसा ही है, लेकिन बाहर का जो प्रेशर है वो कम होता है, तो फिर वो ब्लड जो है
जहाँ पर प्रेशर उसको कम मिल रहा है वो बाहर आती है और हमको इसका रिजल्ट या परिणाम रूप में देखने को मिलता है कि हमारे नाक से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कुछ परिणाम हैं। परिणाम के रूप में हमको तब महसूस होता है वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब अभी हमने बात की कि भाई ये प्रेशर बेल्ट जो हैं वो एक समान नहीं रहते हैं, इनमें खिसकाव होता है। खिसकाव किसके कारण होता है? सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के कारण। जो ITCZ की बेल्ट है, जो आपके 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ITCZ शिफ्ट कर जाती है लगभग 30 से 35 डिग्री, या मैं ये कहूँ लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। कब? कर्क रेखा के पास कब चली जाएगी? ये लो प्रेशर बेल्ट की स्थिति है ना। हवाएं, हम जो ट्रेड विंड्स की बात कर रहे थे, वो किसको फॉलो कर रही थी? क्योंकि नीचे ये क्या है, हाई प्रेशर था और इक्वेटर पे उसको लो प्रेशर मिल रहा है, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये ट्रेड्स किसकी तरफ भाग रही थी? इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। अब सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ रही है, तो ये ITCZ जो है वो शिफ्ट कर गया आपके लगभग 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पे। तो ये इसके शिफ्ट कर जाने से यहाँ की जो ट्रेड है वो भी शिफ्ट कर जाएगी और इक्वेटर को पार करके कहाँ पर चली जाएगी? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ऐसा कब होगा? उत्तरायण की स्थिति के समय पे। और ऐसा ही होता है आपके जब उत्तरायण की स्थिति हमको मालूम है 21 जून को है ना, तो ये घटना कब होगी? लगभग जून और जुलाई के बीच में। अब हम इसकी ठीक विपरीत स्थिति देखते हैं, जब हमारा सन सीधे चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब ये चमक रहा है, ये स्थिति कब हो रही है? लगभग 22 दिसंबर। तो ये घटना आपकी दिसंबर और जनवरी के बीच की होगी। तो जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो गई, तो अब हमको ये देखना होगा इक्वेटर से ये शिफ्ट कर गई 21 मार्च से आपके जून में, जून जुलाई की स्थिति, फिर से ये अगेन आ जाएगी इक्वेटर पे लगभग सितंबर में, 23 सितंबर पे, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पे सीधा होता है, दिन रात की स्थिति बराबर होती है। फिर ये मूव करेगा, इसका सफ़र जो है वो दक्षिण की तरफ होगा सूर्य का, और वो कहाँ तक जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। और लगभग 22 दिसंबर, या मैं ये कहूँ कि ये घटना जो है दिसंबर से जनवरी के बीच हो रही है, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो गई है, तो ये पूरी शिफ्टिंग जो है, ये ITCZ जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। तो प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण इनमें खिसकाव होता है, और ये लगभग 5 से 10 डिग्री जो है उत्तरायण की स्थिति में उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं, और दक्षिणायन की स्थिति में लगभग 5 से 10 डिग्री दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं। तो ये हो गया, हमने देखा एयर प्रेशर बेल्ट कितनी हैं, किस कारण से ये उत्पन्न हो रही हैं या बन रही हैं, और ये फिक्स नहीं है, वहीं पर स्थित नहीं होती हैं, इनमें चेंज आता है सूर्य की स्थिति के कारण। और हमने बात की कि वायुदाब जो है वो कैसे हम पर प्रभाव डालता है, और उस प्रभाव कम या ज़्यादा का प्रभाव हमारे इसमें किस रूप में, परिणाम के रूप में दिखता है।